फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम आपके लिए लाए हैं काला जाम और गुलाब जामुन की रेसिपी। तो चलिए हम बताते हैं इसमें क्या क्या चाहिए हमको। ये हमारा दूध है, ये पनीर, ये हम रसगुल्लों के अंदर भरेंगे, इलायची पाउडर, ये पनीर हम खोए में डालेंगे, ये चिरौंजी है, चिरौंजी हम इसको पनीर में मिक्स करके रसगुल्लों के अंदर भरेंगे। खोए को अपने खूब अच्छे से मसल लिया है। 10 मिनट तक हमने मसला है इसको। और इसका टेक्सचर देखिए कैसे होने लगे, समझ लेना। अच्छे से ये मसल चुका है और इसको हम रख देंगे, ये हो गया है। अब इसके सीधे रसगुल्ले बनाएंगे हम। अब यहाँ देखिए हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी हो गई है। और ना इसको ज़्यादा मोटा रखना है ना ही ज़्यादा पतला, बिल्कुल चाशनी परफेक्ट बनी है।
ऐसे करके इसमें डाल देंगे चाशनी में। अब देखिए हम यहाँ पर अपने गुलाब जामुन बना लेते हैं। काला जाम हमारा बन चुका है और यहाँ पर हम गुलाब जामुन बनाएंगे। इसको हम इसका शेप हम लंबा कर देंगे, ये लंबे शेप में बनाएंगे हम, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये हमारा लंबे शेप में रहेगा, ये देखिए। और इसको हम यहाँ पर तल लेंगे। इसमें हमें अलग से ही ऐसे ऐसे तेल को हिलाना है बस, नहीं तो रसगुल्ले कट जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने गुलाब जामुन को तल लिए हैं और ये सीधा आप चाशनी में डालेंगे इनको हम। देखिए हमारे रसगुल्ले यहाँ पर बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और हम इनमें वर्क लगाएंगे। और इनमें हम बादाम सजा देते हैं और इसको हम काट कर दिखाते हैं आपको। देखिए कितनी चाशनी भर गई है, कितने अच्छे बने हैं, कितने सॉफ्ट बने हैं। और हम इसको भी दिखा देते हैं आपको कितने सॉफ्ट बने। देखिए चाशनी हमारी भर चुकी है। देखिए हमारे रसगुल्ले यहाँ पर बिल्कुल बनकर रेडी हो चुके हैं खाने के लिए। देखिए अगर ये हमारे काले जाम और गुलाब जामुन की रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा। तब तक के लिए राधे राधे।